बताएं आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत से रवानगी पर नवाज शरीफ के वतन वापसी के सवाल पर कहा कि कोई मशवरा नहीं दूंगा, आना चाहे तो बिस्मिल्ला, ना आए तो उनकी मर्जी। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की मंजूरी दी। अदालत ने 5 लाख मुचल के जमा करवाने की हिदायत करते हुए नैब को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत से वापसी पर साफियों ने नवाज शरीफ को वतन वापसी से मुतलक मशवरे का सवाल किया तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियाँ साहब को कोई मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो बिस्मिल्ला, न आए तो उनकी मर्जी। मियाँ साहब का डोमिसाइल बेहतर है, तो इतिदार में नहीं है, आपको नजर आती है आना चाहे तो डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। कश्मीर इलेक्शन के सवाल पर कहा कि कश्मीर इंतखाबात में वही होगा जो होता रहा, एक जमात होने के नाते पीपल्स पार्टी कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। सिलेक्टर्स के पैगाम के सवाल पर कहा कि इस मुल्क में रहते हुए सिलेक्टर्स को मीडिया के जरिए क्यों पैगाम दूं? सिलेक्टर्स को कुछ पैगाम देना चाहेंगे क्यों? तेरे थ्रू क्यों दे रहा था? आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका जा रहे